हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसका नाम है चकवड़। चकवड़ को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और यह तकरीबन वर्षा ऋतु में पाया जाने वाला प्रजाति है। और इसका चकवड़ के साथ इसको बहुत सारे नामों में जैसे कि चक्रमर्द के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पवार के नाम से भी इसको जानते हैं। इंग्लिश में इसे रिंगवार्म प्लांट के नाम से जानते हैं या फिर फॉटेट कैसिया के नाम से जानते हैं। और इस वनस्पति का जो बॉटनिकल नेम है वह है कैसिया टोरा। और इस वनस्पति का तकरीबन पंचांग का प्रयोग कर लिया जाता है मित्रों, और ज़्यादातर प्रयोग इसका बीज का करते हैं, ठीक है। और यह वर्षा ऋतु में पाया जाने वाला वनस्पति है, परंतु इसका ज़्यादातर औषधीय क्षेत्रों में प्रयोग होने की वजह से इसका खेती में भी लोग रुझान लेना चालू कर दिए, ठीक है। और इसका स्वाद तिक्त होता है और इसमें जो प्रमुख रूप से जो रसायन पाए जाते हैं वह है जैसे कि ग्लूकोसाइड्स, प्रोटीन, स्टीरॉइड्स, एमिनो अम्ल, शर्करा, टैनिन्स, ऑलिक अम्ल, टिनोलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, इस प्रकार सोडियम, पोटेशियम, आयरन, इस प्रकार से प्रमुख रूप से इसमें तत्व पाए जाते हैं। और इसका जो औषधि प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा किस प्रकार से रोगों में किया जाता है, जैसे कि कफ, ज्वर, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, दांत खाज खुजली जैसे जो बीमारियां होती हैं उस प्रकार से इसका बराह प्रयोग के लिए औषधि प्रयोग किया जाता है मित्रों। और उसके साथ जैसे है इसका हृदय संबंधित रोगों के लिए, पाचन क्रिया के लिए भी इसमें रामबाण औषधि का प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं दांत दर्द के लिए भी औषधि प्रयोग इसका किया जाता है। दांत खाज खुजली के लिए तो ये एकदम रामबाण औषधि का काम करता है। और विषम जोरों में भी इसका औषधि प्रयोग लोग करते हैं मित्रों। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।